दोस्तों नमस्कार दोस्त, जो महिलाएं अपने गहने लेकर बसों में ट्रेनों में सफर करती हैं और फिर उनके गहने चोरी हो जाते हैं, जो लोग बसों या ट्रेनों में कीमती सामान लेकर सफर करते हैं और उनका सामान चोरी हो जाता है, ऐसे लोग इस खबर को शेयर कर दीजिए और इस खबर को ध्यान से सुनिएगा भी। दरअसल आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर अभी आपके सामने पुलिस के आगे बैठा एक युवक नजर आ रहा है। ये युवक कुछ ऐसा ही काम करता है और इसने एक बस से 17 तोला सोना एक महिला का चुरा लिया था उसके बैग से, और इसी शख्स ने रेलवे स्टेशन से करीब 40 लाख रुपए के डायमंड भी चुरा लिए थे। और ये कहां का है, कैसे इसको पकड़ में आया है, उसने कितनी चोरियां की हैं, सारी की सारी बात मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जाऊंगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दरअसल 17 फरवरी 2023 को बाड़मेर के कोतवाली थाने में एक प्रकरण दर्ज हुआ था कि एक महिला जो ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं पर शादी समारोह में गई थी और बाड़मेर शहर के चौटन सर्किल पर जब वो बस में बैठी थी, इस दरमियान उसके बैग से जो गहना था, सोने के आभूषण थे, वो चोरी हो गए थे। फिर कई प्रकार के इल्जाम परिवार के लोगों पर या इस प्रकार की ऐसी चोरियों में लगते हैं, लेकिन इस महिला को, उसके परिवार के लोगों को उस समय ही भनक लग गई थी कि चोरी हुई है। और इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए एक आरोपी जिसका नाम कुलदीप उर्फ कुल्ली हिसार हरियाणा को गिरफ्तार किया है। और ये कुलदीप उर्फ कुल्ली अपने साथियों के साथ मिलकर, अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर के ये चोरी की वारदात को अंजाम देता है। अलग अलग जगहों पर जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जो बसों में सवार होकर सफर करती हैं, शादी समारोह में जाती है, इस प्रकार की महिलाओं के गहने बड़ी ही सतर्कता से ये लोग चोरी कर देते हैं और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और ये अंतर्राज्यीय गैंग है। जब पुलिस ने इनको पूछताछ के लिए यहाँ पर लाया गया, कुलदीप उर्फ कुल्ली ने ये बात भी स्वीकार की है कि मैंने महाराष्ट्र के नागपुर में रेलवे स्टेशन से एक व्यापारी के बैग में से 40 लाख रुपए के डायमंड भी चोरी किए थे। अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है और ये पूरे मामले की जानने की कोशिश कर रही है कि और इन्होंने कितनी कहां कहां पर चोरियां की है। क्योंकि बाड़मेर में आमतौर पर हम लोग आए दिन सुनते हैं कि बसों से या ट्रेनों से महिलाओं के जो गहने होते हैं, जेवरात होते हैं, वो चोरी हो जाते हैं और कई प्रकार का कीमती सामान है वो भी चोरी हो जाता है। तो अब पुलिस ये कोशिश कर रही है, इनसे पूछताछ कर रही है कि इन लोगों ने और कहां कहां से इस प्रकार की चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है और इनके साथ कितने लोग थे और जो चोरी का सामान है उसको बरामद करने की भी पुलिस जो है कोशिश कर रही है। तो ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं बाड़मेर के कोतवाली पुलिस थाने की, जहां पर कुलदीप उर्फ कुल्ली को, हिसार हरियाणा निवासी को, पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है और अब आगे की पूरी कार्यवाही की जा रही है। आप देखिए कि जब कोई महिलाएं शादी समारोह में जाती हैं, उनके गहने चोरी हो जाते हैं, तो आमतौर पर अपने रिश्तेदारों पर या किसी अन्य लोगों पर वहां पर शक हो जाता है और उससे आपसी रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। लेकिन इस प्रकार के लोग चोरी करके इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं और फिर यहां से दूसरी जगह भाग जाते हैं। अब पुलिस इनसे जांच पड़ताल कर रही है, पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है।